नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिले की 5 तहसीलों में मध्यम अकाल की स्थिति। एमआईडीसी से निकला लाखों का गुटखा जब्त। सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी न करने की पुलिस की अपील। खुले में शौच करने वालों को 100 उठक बैठक का दंड। विविध प्रकार के कलात्मक दीपकों से भरे बाजार। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने राज्य की 180 तहसीलों में अकाल घोषित किया है, जिसमें अकोला जिले की 5 तहसीलों में मध्यम अकाल की स्थिति घोषित की गई है, जिसमें अकोला तहसील बालापुर, बारशेटकली, मुर्तजापुर तथा तेल्हारा का समावेश है। प्रदेश की तहसीलों में जून से सितंबर के बीच बारिश में आई कमी, उपलब्ध भूजल स्तर की स्थिति, भूमि की आर्द्रता, वनस्पति निर्देशांक, बुआई क्षेत्र तथा फसलों की स्थिति का विचार कर विभिन्न घटकों से प्रभावित अकोला जिले की 5 तहसीलों के लिए मध्यम अकाल घोषित किया गया है। आज राजस्व वन मंत्रालय की ओर से यह घोषणा की गई है, जिसमें अकोला जिले की पातूर तथा अकोट तहसील को छोड़कर अन्य तहसील में मध्यम अकाल घोषित किया है। अकाल में यह आदेश बुधवार 31 अक्टूबर से अमल में लाया गया है, जो आने वाले 6 माह तक लागू होगा। इसलिए जिलाधिकारी संबंधित तहसीलों में आवश्यक उपाय योजनाएं कार्यान्वित करें, ऐसे निर्देश भी उप सचिव की ओर से जारी किए गए हैं। खरीफ के मौसम में फसलों को जिस अनुपात में पानी की आवश्यकता होती है, उस अनुपात में बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण फसलों की उपज प्रभावित हो रही है। जिसे देखते हुए जिलाधिकारी को प्राधिकृत अधिकार के रूप में अधिकार देते हुए आवश्यक उपाय करने के निर्देश प्रदेश सरकार ने दिए हैं। अकोला जिले में अकोला तहसील बालापुर, बारशेटकली, मुर्तजापुर तथा तेल्हारा, इन तहसीलों में मध्यम अकाल की स्थिति नजर आने से उसे अकाल की श्रेणी में रखा गया है। जिला पुलिस अधीक्षक के विशेष दस्ते ने एमआईडीसी परिसर से निकले वाहन का पीछा कर बालापुर बाईपास पर पकड़ा। इस बोलेरो वाहन में प्रतिबंधित गुटखे का माल भरा था। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अकोला शहर समेत ग्रामीण इलाकों में बड़े प्रमाण में प्रतिबंधित गुटखे की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। गुटखा विक्रेताओं पर नामात्र कार्रवाई होने के कारण गुटखा माफियों की हिम्मत काफी बढ़ गई है। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक एम राकेश कलासागर द्वारा गठित विशेष दस्ता प्रमुख हर्षराज अलसपुरे ने अपनी टीम के साथ अकोला के एमआईडीसी से निकले वाहन का पीछा कर उसे बालापुर नाका के पास पकड़ा। बोलेरो वाहन की जांच करने पर उसमें प्रतिबंधित गुटखे की बोरियां भरी नजर आई। यह गुटखा एमआईडीसी से निकलकर बालापुर जा रहा था। इस कार्रवाई में बालापुर निवासी अमजद खान, सलाउला खान व अब्दुल नईम अब्दुल रफीक को गिरफ्तार किया गया। जब्त किए गए गुटखे का मूल्य लाखों रुपए आंका गया है। आगे की पूछताछ पुलिस कर रही है। दीपावली के समय नागरिक सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी न करें, इस प्रकार का आह्वान उपविभागीय पुलिस अधिकारी ने सभी नागरिकों से किया है। दीपावली उत्सव को केवल 1 सप्ताह रह गया है, जिससे बाजार में खरीदारी करने वाले नागरिक अपनी सामग्री तथा स्वर्ण आभूषण तथा नकदी की सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की खामी न रखे, अन्यथा आपकी लापरवाही चोर उठाईगिरी के लिए लाभदायक हो सकती है। इसलिए नागरिक बाजार में खरीदारी करते समय सावधानी बरतें, ऐसी अपील शहर उपविभागीय अधिकारी उमेश माने पाटिल ने की है। उन्होंने आगे कहा कि ठंड तथा दीपावली का मौसम आते ही आपराधिक तत्व सिर उठाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते हैं। पुलिस की निगाहें इन अपराधियों पर हमेशा लगी हुई है, जिससे उनके मंसूबों पर पानी फेरा जा सके।
लेकिन नागरिक यदि स्वयं भी सावधानी रखे तो किसी भी प्रकार की अनहोनी की घटना को बड़ी आसानी से रोका जा सकता है। दीपावली के उत्सव के बाद अवकाश होने के कारण नागरिक अपने घरों को ताला लगाकर जाते हैं, जिससे चोर बड़ी आसानी से घर का ताला तोड़कर घर में प्रवेश करते हैं तथा आराम से घर की सामग्री समेत स्वर्णाभूषण पार कर देते हैं। घर में घटित होने वाली चोरियों तथा सेंधमारी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन नागरिक भी सतर्क रहकर ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने में पुलिस को काफी बड़ी मदद कर सकते हैं। नागरिकों के जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस विभाग पर है, किंतु नागरिकों का सहयोग भी उतना ही आवश्यक है। यदि जनता जागरूक रहती है तो जिले का आपराधिक ग्राफ काफी कम हो सकता है। अकोला जिल्ह्यातील सर्व तमाम नागरिकांना अकोला जिल्हा पोलीस दलामार्फत आगामी जो दिवाळी सण आहे त्याच्या खूप खूप शुभेच्छा देण्यात येत आहेत। त्याच्यामध्ये अकोला जिल्हा पोलीस दलामार्फत तुम्हा सर्व नागरिकांना एक आवाहन करण्यात येत आहे की दिवाळी सुट्टीमध्ये आपण ज्या वेळेला सुट्टीच्या निमित्त आपण बाहेर गावी जात असता त्यावेळेला आपले घर बंद करून जाताना घर बंद असल्याची जाणीव किंवा माहिती आपण शेजाऱ्यांना द्या किंवा पोलीस दलाला द्या, पोलीस स्टेशन संबंधित पोलीस स्टेशनला द्या, म्हणजे त्या आपल्या घरावर पोलिसांना लक्ष ठेवणं सोयीचं होईल। या दिवसामध्ये घरफोड्यासारखे प्रमाण वाढत असते, तर याच्यासाठी आपली देखील ती जबाबदारी आहे की आपलं घर बंद आहे याची जाणीव पोलिसांना किंवा संबंधित शेजाऱ्याला देणं आवश्यक आहे। त्याशिवाय आपण बाहेर जाताना आपले जे CCTV आहे ते ऑन असावेत, म्हणजे त्याच्यामार्फत आपल्याला संबंधित चोरापाशी पोचता येणं सोपं होईल। त्याशिवाय बऱ्याच महिला या ठिकाणी दिवाळीनिमित्त खरेदी करता बाजारात येत असतात, आपले दागिने घेऊन त्या ठिकाणी येत असतात, तर त्या ठिकाणी आपली पर्स असेल, दागिने असेल याची काळजी घेणं आवश्यक आहे। त्या सर्व गोष्टीची अकोल्यातील तमाम नागरिकांनी काळजी घ्यावी व अकोला जिल्हा पोलीस दलाला सहकार्य करावे। धन्यवाद। खुले में शौच करने वालों पर महापालिका के आरोग्य विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। मोरना नदी परिसर में शौच करने वाले कई लोगों को उठक बैठक की सजा सुनाई गई। सभी ओर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, फिर भी कुछ महाभाग ऐसे हैं जो खुले में शौच कर इस अभियान का मजाक बना रहे हैं। ऐसे महाभागों को सबक सिखाने का मन अकोला महानगर पालिका ने बनाया है। अकोला महानगर पालिका के आरोग्य विभाग द्वारा रोजाना सुबह 6 बजे के समय मोरणा नदी किनारे गश्त लगाई जा रही है। मोरणा नदी परिसर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। वहीं कुछ लोग मोरणा नदी परिसर में शौच कर इसे गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बुधवार की सुबह मोरणा नदी परिसर में शौच करने वालों को शारीरिक दंड दिया गया। इस कार्रवाई में खुले में शौच करने वाले 5 पुरुष व 3 महिलाओं को पकड़ा गया। इन महाभागों को 100 उठक बैठक की सजा सुनाई गई। इसके बाद खुले में शौच की तो आर्थिक दंड लगाने की चेतावनी दी गई, जिसके कारण खुले में शौच करने वालों में कार्रवाई का भय पैदा हो गया है। यह कार्रवाई मनपा आरोग्य विभाग प्रमुख प्रशांत राजुरकर के मार्गदर्शन में की गई। प्रकाश पर्व दिवाली को महज 6 दिन का समय शेष रह गया है, जिसे देखते हुए शहर के बाजारों में विभिन्न प्रकार के दीपकों की दुकानें सज गई हैं, जहां कुछ प्रमाण में खरीदारी शुरू हो गई है। देश के सबसे बड़े त्योहार दीपावली को महज 6 दिन का समय ही शेष रह गया है, जिसे देखते हुए दीपावली बाजार सजने लगे हैं। प्रकाश पर्व दीपावली में सबसे अधिक महत्व दीपकों का होता है, जिसे देखते हुए शहर के प्रमुख मार्गों पर दीपकों के साथ ही सजावटी सामानों की दुकानें सज गई हैं। मिट्टी से निर्मित दीपक व अन्य प्रकार के फैंसी आइटम सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दीपावली को देखते हुए अकोला में इस बार भी राजस्थान, गुजरात, कलकत्ता आदि जगहों से फैंसी दीपकों का माल बड़ी तादाद में आया है। ये फैंसी दीपक 40 से 50 रुपए दर्जन के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। साधारण दीपकों की तुलना में ये दीपक कलाकारी वाले हैं। अकोला के स्थानीय कुम्भारों ने भी बड़े प्रमाण में दीपकों का निर्माण किया है। ये दीपक परम्परागत तरीके के हैं, जो 15 से 20 रुपए दर्जन के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। फैंसी दीपकों को अभिजात वर्ग के लोग खरीदने में रुचि दिखाते हैं, जबकि मध्यम वर्ग साधारण दीपकों को खरीदकर दीपावली पर्व मनाते हैं। इस साल बाजार में मंदी का असर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण अभी केवल भाव की पूछ परख शुरू है। दीपावली के 2 दिन पहले खरीदारी जोर पकड़ सकती है। खामगांव में शांति उत्सव बड़े ही उत्साह से चल रहा है।
31 अक्टूबर को मोठियाई पंडाल के परिसर में भव्य महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसका लाभ हजारों नागरिकों ने लिया। खामगांव के जलालपुरा परिसर में बड़ी देवी का शांति उत्सव 24 अक्टूबर से शुरू हुआ है। 31 अक्टूबर को जगदम्बा देवी के शांति उत्सव के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। स्वर्गीय कैरन्ना परशुराम आनंदे बीड़ी के व्यवसाय के लिए बोधन आया जाया करते थे, जिस कारण वे बोधन की माता के भक्त हो गए थे। खामगांव के अपने बड़े कारखाने के सभी जाति धर्मों के कामगारों की मदद से यह उत्सव शुरू किया गया। सन 1908 से आज तक यह उत्सव हर वर्ष 11 दिनों तक बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। जगदम्बा देवी के इस शांति उत्सव में 31 अक्टूबर को महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इस महाप्रसाद में 22 क्विंटल की चपातियां, 2 क्विंटल मसाला भात, 25 क्विंटल काशीफल की सब्जी तथा 5 क्विंटल की बूंदी महाप्रसाद के रूप में वितरित की गई। देवी के विस्तृत मंडप में लगी विभिन्न वस्तुओं की दुकानों एवं भक्तों की चहल पहल से समुच्चा खामगांव शहर भक्तिमय हो गया, जिसके कारण यहां यात्रा का स्वरूप प्राप्त हो गया है। इस अनूठे शांति उत्सव में मोठियाई की पूजा करने वाले अमोनकर परिवार के सदस्यों ने सिटी न्यूज से बोलते हुए प्रकाश डाला। तरी पण मी आई जगदंबेच्या आरत्या अगदी 7 आरत्या करत असतो सकाळी आणि सायंकाळी। ती आई जगदंब मला ताकद देते, ते माझ्यापासून आरत्या करून घेत असते। सर्वांना मला जीवंत उदाहरण माझ्या आहे। अनेक आहेत प्रत्येक ठिकाणी देवस्थान आहे, पण त्या ठिकाणी इतक्या मोठ्या प्रमाणात आरत्या होत नाही। अकोला के खंडेलवाल भवन में इंस्पायर डांस एकेडमी व आरआरसी नेटवर्क के सिटी यू द्वारा 4 दिवसीय डांस वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसे युवाओं ने भारी प्रतिक्रियाएं दी। अकोला के खंडेलवाल भवन में इंस्पायर डांस एकेडमी आरआरसी नेटवर्क के सिटी यू द्वारा 4 दिवसीय डांस वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसे युवाओं का भारी प्रतिसाद प्राप्त हुआ है। 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चली इस डांस वर्कशॉप में मुंबई के प्रख्यात कलाकारों ने डांस की 10 स्टाइल्स की 10 क्लासेस ली। इस डांस वर्कशॉप में जज के रूप में फंकी व डीजे पांडा ने काम देखा। इस डांस क्लास में सुप्रसिद्ध डांसर चित्रा शेट्टी, शकील शेख, विजय सर आदि कलाकारों ने अकोला के युवाओं को 10 प्रकार के डांस का प्रशिक्षण दिया। 31 अक्टूबर को शोकेस नाइट का आयोजन भी किया गया, जिसमें डांस की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। इस डांस वर्कशॉप में 29 युवाओं ने भाग लिया था। इस अवसर पर आरआरसी नेटवर्क के सिटी यूथ की संयोजिका जयश्री पाटिल, आर्यश्री, माधव शर्मा उपस्थित थे। इस अवसर पर फंकी, चित्रा शेट्टी व डीजे पांडा ने अकोला के युवाओं से आह्वान किया कि वे आरआरसी नेटवर्क के सिटी यूथ के सदस्य बनकर अपनी कला को निखार कर अपनी एक अलग पहचान बनाएं।
आपण सिटी यूथमध्ये इन्स्पायर डान्स अकॅडमी कॅम्पसोबत यांनी 4 दिवसाचा डान्स कॅम्प इथे ऑर्गनाईज केला होता, ज्याच्यामध्ये आज इथे स्ट्रीट बॅटल कॉम्पिटिशन होती. त्यामध्ये खूप आपले दिग्गज डान्स हे आले आहे, डान्स एक्सपर्ट्स इथे आले आहेत. सो आय विल रिक्वेस्ट विजय सर की त्यांनी प्लीज इंट्रोड्यूस करून द्यावं त्यांना. हाय गाईज, दिस इज फॉकी सर फ्रॉम कॅलकाता. आय हे इन्स्पायर डान्स कॅम्प के लिए अकोला में. अँड दिस इज चैत्रा मॅम फ्रॉम मुंबई. आय इन्स्पायर डान्स कॅम्प के लिए. दिस इज जतीन सर फ्रॉम मुंबई. Hi guys, what's up? This is Harshvardhan Bhar and I'm also known as Funky. Please make sure you guys join City Youth right now, enroll right now. It's a best platform to showcase your talent. Please, agar aap mein talent hai aur aap mein kuch kar dikhane ki chaah hai, abhi join kijiye right now. Hey guys, this is Shaita Shetty representing Dynamic Dance Crew aur main yahan pe Akola City mein aayi thi sikhane ke liye. So Akola City mein ek channel hai City Youth, जहाँ पे आप लोग अपना टैलेंट, अपना शोकेस दिखा सकते हो नॉर्मल पब्लिक के लिए. तो इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म और मैं चाहती हूँ कि हर एक यूथ यहाँ पे जाके अपना वीडियो शेयर करे. तो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू शेयर योर वीडियोज एंड एनरोल योर सेल्फ एज सून एज पॉसिबल. Hey, what's up guys? This is Panda representing Dynamic Dance Crew and Nature's Play. तो मैं चाहता हूँ कि सारे अकोला के सारे डांसर्स, सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो भी कुछ करते हैं, प्लीज़ अपने वीडियो एनरोल कीजिए. आप 2 मिनट का वीडियो आप भेज सकते हैं, तो आप बहुत जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए. और अकोला महानगरपालिका आयुक्त लंबे अवकाश पर चल रहे हैं, जिसके कारण महापालिका का कामकाज ठप पड़ गया है. कर्मचारियों के वेतन व अग्रिम का प्रश्न भी ठंडे बस्ते में पड़ गया है. अकोला महानगरपालिका के आयुक्त जितेंद्र बाग विगत 9 अक्टूबर से अवकाश पर गए हुए हैं. 29 अक्टूबर को उनके आगमन के आसार थे, लेकिन वह नहीं आए. उनके इंतजार में अकोला मनपा का कामकाज पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है. जानकारी है कि आयुक्त ने और ऑर्डिंग का अवकाश बढ़ाया है, जिससे दीपावली तक वे नहीं आएंगे. इस बीच जिलाधिकारी आस्तिक कुमार पांडेय ने भी अतिरिक्त पदभार निकालने के लिए प्रधान सचिव को फिर से पत्र भेजा है. इस प्रकार आयुक्त न होने से मनपा का दैनिक कामकाज रुका पड़ा है, जबकि कर्मचारियों की दिवाली भी वेतन व अग्रिम के इंतजार में अंधेरे में बीतने के आसार नजर आ रहे हैं. अकोला मनपा के तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने के तबादले के बाद जितेंद्र वाग ने मनपा का जिम्मा संभाला. 3 महीने बाद ही उन्होंने अकोला से तबादले के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन उन्हें तबादला नहीं मिला. इस बीच अकोला की राजनीति तथा विविध कामों के बढ़ते दबाव की वजह से उन्होंने कई बार अकोला से तबादला पाने का प्रयास किया. इस बीच तबीयत बिगड़ने से 9 अक्टूबर को जितेंद्र वाघ अवकाश पर गए. 29 अक्टूबर को वे कार्यरत होने वाले थे, लेकिन उन्होंने फिर 8 दिन का अवकाश बढ़ाया, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है. इस प्रकार दिवाली के बाद ही वे अकोला में आएंगे. मनपा आयुक्त वापस नहीं आएंगे, इसको लेकर मनपा गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा. संभावना भी यही नजर आ रही थी. 20 दिनों से अतिरिक्त प्रभार जिलाधिकारी आस्तिक कुमार पांडेय के पास है, जो व्यस्तता की वजह से मनपा के कामकाज की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. फलस्वरूप मनपा का दैनिक कामकाज ठप पड़ा हुआ है. फाइलों के अंबार लगे हुए हैं, साथ ही वेतन अग्रिम समेत कर्मचारियों की समस्याएं बढ़ गई हैं. जानकारी है कि जिलाधिकारी ने फिर से प्रधान सचिव को और पत्र भेजकर अतिरिक्त प्रभार दूसरे अधिकार को देने की विनती की है. अकोला क्रीड़ा प्रबोधिनी के 17 बॉक्सरों का चयन विद्यापीठ की टीम में किया गया है. यह टीम राजस्थान के उदयपुर में आयोजित अंतर विद्यापीठ बॉक्सिंग स्पर्धा में अपने जलवे बता रही है. संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की बॉक्सिंग टीम में अकोला क्रीड़ा प्रबोधिनी के 7 महिला व 10 पुरुष, इस प्रकार 17 बॉक्सरों का चयन किया गया. यह बॉक्सिंग स्पर्धा राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की जा रही है. यह स्पर्धा ऑल इंडिया अंतर विद्यापीठ स्तरीय है. इस स्पर्धा के लिए चुने गए खिलाड़ी संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ का प्रतिनिधित्व करेंगे. इस बॉक्सिंग टीम में पूजा रहाटे, दिया बच्चे, मनीषा काले, पूनम कैथवास, दिव्यानी जंजाल, निधि, रिया तोमर का चयन किया गया है. वहीं पुरुषों में अजहर अली, सचिन चौहान, गजानन, वैभव लांभोरे, क्षितिज तिवारी, सुदर्शन मेनकर, शुभम चौधरी का समावेश है. इस स्पर्धा के लिए टीम व्यवस्थापक के रूप में राहुल वानखड़े टीम के साथ राजस्थान के उदयपुर रवाना हुए हैं. इस टीम को कोच सतीश चंद्र भट्ट ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं.
स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर पातुर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधी जवाहर बाग में कई मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। इस धरने में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। पूरे विश्व में आर्यन लेडी के रूप में प्रसिद्ध स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर अकोला के गांधी जवाहर बाग में पातुर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा एक दिवसीय धरना आंदोलन कर अपनी कई मांगों का निवेदन जिलाधिकारी को सौंपा। भारत का संविधान जैसा भारत रत्न डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर ने तैयार किया है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन न कर वैसा ही रखा जाए। भारतीय संसद में लोकपाल बिल मंजूर किया गया है उस कानून की पूर्तता कर लोक आयुक्त की नियुक्ति की जाए। भारत समेत महाराष्ट्र में लोकसभा विधानसभा समेत सभी चुनावों में बैलेट पेपर का उपयोग किया जाए। महाराष्ट्र के मराठा मुस्लिम धनगर समाज के लिए सामाजिक शैक्षणिक आरक्षण दिया जाए। भारत के मुस्लिम हज यात्रियों पर जीएसटी लगाया जाता है जिस पर जीएसटी न लगाई जाए। पेट्रोल डीजल गैस के भाव कम किए जाए। राफेल सौदे का भ्रष्टाचार सबके सामने लाया जाए आदि मांगों को लेकर यह अनशन किया गया व निवेदन दिया गया। इस अनशन में पातुर शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्वाध्यक्ष हाजी सैयद कमरुद्दीन सैयद इस्माइल, अब्दुल तस्लीम अब्दुल हमीद, जुक्सर नैन अब्दुल फारूक, सैयद नासिर सैयद मुख्तार, इस्माइल भाई टीवी वाले, शकील अहमद खान, अब्दुल जब्बार अब्दुल गफ्फार, शेख अब्रार शेख मुख्तार, सैयद इरफान सैयद प्यारू, सैयद हाशम सैयद हातम, गुल महमूद राही, मोहम्मद साजिद मोहम्मद सादिक, मोहम्मद फारूक मोहम्मद साकिब मोहम्मद साकिक, महेश सुधाकर राव गणगणे, पराग मधुकर कांबले, रब्बानी शाह, अमिताभ तायडे, आकाश सिरसाट, मंगेश कलस्कर, शेख शकील शेख मुश्ताक, सूरज इंगले, माधव तिड़के, अंकुश देशमुख, शेख अब्दुल्लाह मुशरफ खान, मोहम्मद राजिक असलम खान, इरफान खान, मोहम्मद सईद मोहम्मद शमी, मोहम्मद इदरीस चौहान, जावेद अहमद खान, लक्ष्मण राव भीमकर, जुबेर जावेद, साजिद खान पठान, लक्ष्मण राव तायडे, कपिल रावदेव, मोहम्मद इरफान आदि शामिल हुए थे। अकोला महाराष्ट्र से सिटी न्यूज रिपोर्टर यूसुफ शेख की विशेष रिपोर्ट। गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बड़े बड़े वीर इस देश में पैदा किए। आज का दिन जो है खुशी का भी है और गम का भी है। आज हमारे बीच में वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता इस दुनिया में आए, उन्होंने एकता और अखंडता के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। गांधी जी के विचारों से ऐसे प्रभावित हुए कि उन्हें अपनी बैरिस्टरी को खत्म करके देश के लिए जिया, देश के लिए मरा। ऐसे दिन आज जन्मदिन है वल्लभ पटेल का, लेकिन दुख इस बात का भी आज गम का भी दिन है क्योंकि हमारी राष्ट्रीय माता स्वर्गीय इंदिरा गांधी को गोलियों से आज शहीद कर दिया गया था। वो इंदिरा गांधी जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, वो इंदिरा गांधी जिन्होंने ज़मीनों गरीब मुफ्त में बांटा, वो इंदिरा गांधी जिसने बैंकों का निजीकरण किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश को क्या नज़र लग गई है, और हमारे मोदी जी सिर्फ जहाज़ों में सफ़र कर रहे हैं, लाखों अरबों कपड़े पहन रहे हैं, अरबों रुपए खरबों रुपए यहाँ के लोग गुजरात के लोग लेके भाग रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ अंग्रेज़ भी गुजरात से आए थे हिंदुस्तान लूटने के लिए, ये भी गुजरात से है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और वो खुद गुजरात से है। ये लाखों अरबों रुपये लेके चले, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब अरबों रुपये लेके भाग जाए। इसलिए खत्म कर दीजिए, क्योंकि हाजी गरीब भी होते हैं जो एक एक रुपया जोड़ के हज को जाते हैं, वो अब हज को जाने के उनको जीएसटी ख़त्म कर देना चाहिए। मैं और आखिरी में को अन्ना हजारे को इन्होंने तो महात्मा गांधी बना दिया था, लेकिन जैसे ही इन्होंने मतलब निकल गया आरएस वालों का भाजपा का, आज अन्ना हजारे का क्या हाल है, वो बेचारे कोई पूछने वाला भी नहीं। इतने कहूँगा मैं आखिर में कि हिंदुस्तान की जनता से उठिए और अपनी आवाज़ उठाइए। लाखों अरबों लोग नौजवान बेरोजगार हो गए, इन्होंने देश को उद्देश्य देना चाहिए प्रधानमंत्री के, डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो, अच्छी अच्छी मेहनत करो, अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे काश्तकार बनो, अच्छे व्यापारी बनो। लेकिन ये क्या कर रहे, पकौड़े बेचो, ये कोई बात है? कुत्ते औलाद, क्या यहाँ के जो भाजपा के जो जितने भी संसद है, भाजपा के मिनिस्टर है, क्या उनकी औलाद उनके बच्चे उनकी बेटियाँ क्या पकौड़े बेच रही है? और ऐसे कभी देश को मंदिर के नाम पर बांट देते हैं, कभी मदीना बांट देते हैं, कभी गाय के नाम बांटते हैं, कभी दंगे फिसाद कराते हैं, यही इनका उद्देश्य है। तो हिंदुस्तान की जनता से मेरी अपील है कि इन लोगों को सबक सिखाने के लिए।
प्रमिला तयोग सभागृह में आयोजित 3 दिवसीय कस्तूरी व्याख्यानमाला का समापन किया गया। इस अवसर पर शहर के प्रबुद्ध नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। स्थानीय प्रमिला तयोग सभागृह में आयोजित कस्तूरी व्याख्यानमाला का बुधवार 31 अक्टूबर को वरिष्ठ पत्रकार विवेक घलसासी ने अंतिम पुष्प पिरोया। अंतिम पुष्प के अध्यक्ष के रूप में आचार्य वारकरी शिक्षण विद्यालय के ज्ञानेश्वर महाराज ताइड़े, प्रमुख अतिथि के रूप में के जोशी की उपस्थिति रही। बुधवार के तृतीय और अंतिम पुष्प को पिरोते हुए विवेक घलसासी ने विषय धार्मिक आहुत आध्यात्मिक होया के विषय पर विस्तार से विवेचन करते हुए कहा कि धर्म की समाज के बारे में संकल्पना केवल सांस्कृतिक रह गई है। आज का समाज और समाज मन संकुचित बनकर रह गया है। धर्म का मतलब आचरण में लगाया गया अनुशासन है, परंतु केवल औपचारिक पूजा पाठ ही धर्म नहीं है। पूजा पाठ का प्रभाव हमारे मन के साथ ही परिवार समाज के उद्धार के लिए काम आना चाहिए। घलसासी ने आगे कहा कि केवल आत्मोद्धार ही होना काफी नहीं है, विश्वोद्धार होना आज जरूरी है। अपनी विनोदपूर्ण शैली में घलसासी ने आध्यात्मिकता का विवेचन किया। धार्मिकता के एक कदम आगे जाकर ही आध्यात्मिकता का स्पर्श होता है। समाज के जरूरतमंद मनुष्य अपनी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए भागदौड़ करता है, वही अध्यात्म है। जिसे धर्म का पालन मैं करता हूँ, उसमें बताया गया है कि विश्व कल्याण का अनुकरण ही आध्यात्मिकता है। ओंकार तत्व यह विश्व को समाये हुए है। धर्म का आचरण करते हुए समाज के दुखी निराधरों के आंसू पोंछना ही अध्यात्म है। वाणी का संयम अध्यात्म है। अपने अहंकार पर विजय पाकर विश्व का संवेदनापूर्ण विचार करना ही आध्यात्मिकता होने का अंतिम पुष्प में विवेक घलसासी ने कहा। और एक दोहा, हृदय जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, को प्रस्तुत कर व्याख्यान माला को विराम दिया। कार्यक्रम का संचालन प्राध्यापक अश्विनी ठाकरे ने किया और आभार प्रदर्शन सुनील गायकवाड़ ने किया। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिले की 5 तहसीलों में मध्यम अकाल की स्थिति। एमआईडीसी से निकला लाखों का गुटखा जब्त। सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी न करने की पुलिस की अपील। खुले में शौच करने वालों को 100 उठक बैठक का दंड। विविध प्रकार के कलात्मक दीपकों से भरे बाजार। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।